रमण महर्षि सिद्धियों के बारे में क्या कहते हैं कि लोग जो सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं और पावरफुल बनना चाहते हैं, कुछ मैजिक करना चाहते हैं, इसके लिए रमण महर्षि एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि सिद्धियां भी तुम्हें बांधती हैं और ये तुम्हारा मैं जो है ना, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, इसको स्ट्रेंथन करती है, यानी इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं, तुम्हें और भी ज्यादा संसार में फंसाती हैं। संसार में आपका क्या आपको बांधता है, आपका मैं, कि मैं हूं, और सिद्धियां किसको हासिल हो रही है, आपके मैं को। आपका जो मैं है वो गेन कर रहा है बार बार सिद्धियां। आप उस पर आप मेडिटेट कर रहे हो कि मैं कैसे कैसे कोई पर्टिकुलर मिस्टिकल पावर, कोई साइकिक पावर गेन कर लूं और उसके थ्रू मैं फिर चलूं। तो उसमें आप किस चीज का अभ्यास कर रहे हो, अपने मैं होने का ही बार बार अभ्यास कर रहे हो और अपने मैं को ही और भी ज्यादा स्ट्रेंथन, और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हो। और मैं जब तक आपका मजबूत रहेगा, मैं जब तक आपका डिजोल्व नहीं होगा, यू कैन नेवर गेट फ्रीडम, मोक्ष और मुक्ति। तो रमण महर्षि यही कह रहे हैं कि सिद्धियों के पीछे मत भागो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जिनको नेचुरली कुछ चीजें पता लगने लगती हैं बहुत, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट हो जाती है, बहुत आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म हो जाती है। जैसे एक बार एक किस्सा है रमण महर्षि को लेकर। एक बार डेविड गॉडमैन, जिन्होंने रमण महर्षि को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा है, नरेट किया है, बताते उनके बारे में कि एक बार एक व्यक्ति को रमण महर्षि के बिल्कुल हुलिया वाला व्यक्ति आता है और उनसे कुछ बातचीत करता है और कहता है कि तुम मुझे उस जगह पर मिलना, मतलब विदेश में ही ये बात हो रही होती है, ये वो बंदा जो होता है वो फॉरेन कंट्री का ही होता है, तो वहीं पर उसको मिलता है रमण महर्षि जैसा। तो वो व्यक्ति किसी तरह उसका जो है वो इंडिया आना होता है और वो अरुणाचल जाता है और देखता है कि वो जो व्यक्ति मेरे को मिला था वो तो यहाँ बैठा हुआ है पर्वत पर, मेडिटेशन कर रहा है, इसके आसपास तो लोग हैं, वो रमण महर्षि थे। तो व्यक्ति कहता है कि तुमने मेरे को, तुम तो वहां थे, इतनी जल्दी यहाँ कहाँ से आ गए। तो लोग उनको बताते हैं, उस व्यक्ति को बताते हैं, उस फॉरनर को बताते हैं कि असल में ये तो कभी कहीं गई नहीं, ये तो यहीं रहते हैं और ये कभी किसी विदेश किसी जगह पे गई नहीं, यहीं पर है। तो उसके बाद व्यक्ति रमण महर्षि को सरेंडर कर देता। तो एक मैंने बताया, कुछ चीजें नेचुरली आई डोंट क्लेम इट, मैं इसको क्लेम नहीं करता, या फिर मैं इसको जो है वो नहीं, मैं इसको बढ़ावा देना चाहूंगा इस चीज को, बट इट हैज नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है। नेचुरली कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर, मेरे मेरे कहने का मतलब है कि क्लेम भी क्यों करते हैं लोग, क्लेम भी नहीं, लोगों को क्लेम भी नहीं करना चाहिए इस चीज का, बट समटाइम्स इट हैपन नेचुरली। जो लोग, जैसे मैंने रमण महर्षि के बारे में बताया कि कुछ चीजें नेचुरली हो जाती हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ डीप मेडिटेशन, कि मेडिटेशन में आप इतने ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने ज्यादा आप माइन्यूट, आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है, आप जो है वो चीजों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। मैं इस चीज पर ना ही मैं इस चीज को ना करता हूँ, ना ही मैं इस चीज को हाँ करना चाहूंगा, मैं एक एक बीच की अवस्था में हूं, क्योंकि मैं झुटलाना भी नहीं चाहूंगा ऐसी चीजों को, बट थोड़ा सा मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, सिद्धियों की जो चीजें हैं, नीम करोली बाबा भी इस चीज के बारे में, इस चीज के विरोध में थे, और वो इवन एक बार उनकी सिद्धियों के बारे में, नीम करोली बाबा की सिद्धियों के बारे में एक एक भक्त ने बहुत सारी कहानियां लिख दी थी, लेकिन नीम करोली बाबा ने कहा कि अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इसको जला दो, इसको फाड़ के फेंक दो, मैं नहीं चाहता कि लोग सिर्फ इस चीज की वजह से मेरे पास आए। तो जितने भी सेजेस होते हैं ना, वो सिद्धियों को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि ये चीजें आपको बांधती हैं, ये चीज आपको बाइंड करती है संसार से, और ज्यादा आपके अंदर बंधन क्रिएट करती है। लेकिन एक बार
आपकी मेडिटेशन डीप हो जाए, आप ध्यान करना अच्छी तरह सीख जाते हैं, तो फिर नेचुरली आपको ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। बट आप उसका गाना नहीं गाते, आप कोई क्लेम नहीं करते, बस उस चीज को जीते हैं और आप कहते हैं कि मुझे चाहिए भी नहीं चीज, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा चीज मुक्ति जरूरी है। तो लास्ट में अपनी मुक्ति के लिए आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, जिसको लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया है। और कोई मैंने बहुत मतलब ऐसी बातें नहीं की है, इम्प्रैक्टिकल बातें, जो चीज़ें डेली यूज़ की हैं कि प्रेजेंट में तो आपको डेली रहना है, विचारों से तो आपको डेली लड़ना है, प्रेजेंट क्या है, मेडिटेशन क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, अटैचमेंट से डेली हमें लड़ना होता है, ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है 24 टॉपिक्स का, 24 वीडियोज में। आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर। थैंक यू वेरी मच।